नारी के बारे में मैंने लिखा है। नारी के लोग अबला कहते हैं। अबला उर्दू लफ्ज है, तात्पर्य अबला का मतलब होता है असहाय, निर्बल, कमजोर, दुर्बल। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि नारी कमजोर, असहाय और दुर्बल होती है। तो मैंने नारी को बहुत शक्ति के रूप में उभारा हुआ इस कविता के अंदर। ध्यान से सुने मेरी माताएं बहनें और मेरी बेटियां, कौन कहता है अबला हो तुम, कौन कहता है अबला हो तुम, बहुत बड़ी बला हो तुम, सारा घर हिला देती हो, भूकंप या जर्जरा हो तुम। कौन कहता है अबला हो तुम, कौन कहता है अबला हो तुम, बहुत बड़ी बला हो तुम, सारा घर हिला देती हो, भूकंप या जर्जरा हो तुम। जिस घर में जाती हो, जिस घर में जाती हो बना देती हो स्वर्ग, और जिस घर में जाती हो बना देती हो नर्क। पल में बिगाड़ देती हो, पल में संवार देती हो, सारा घर हिला देती हो, भूकंप या जर्जरा हो तुम। कौन कहता है अबला हो तुम। और अब इसको अध्यात्म रूप में लिए हैं, तुम ही काली, तुम ही दुर्गा, तुम ही सती सावित्री थी। तुम ही दुर्गा, तुम ही काली, तुम ही सभी सती सावित्री थी। तुम ही आज की मायावती थी जो उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर राज कर चुकी हो। कौन कहता है अबला हो तुम, बहुत बड़ी बला हो तुम, सारा प्रदेश हिला देती हो, भूकंप या जर्जरा हो तुम। कौन कहता है अबला हो तुम। अब सृष्टि में